एक्टर बनने की चाहत लेकर मुंबई आए राजकुमार राव। अपने हर एक किरदार से दिल जीतने वाले एक्टर राजकुमार राव ने दी न्यू कमर्स और उभरते हुए कलाकारों को सलाह। इंडस्ट्री में नाम बनाने की जादू जहाट के पीछे राजकुमार राव ने बताई अपनी दिलचस्प कहानी। आम परिवार में जन्मे राजकुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए लंबा सफर तय किया है। शुरुआती स्टेज में वो अपने दोस्तों से खाना मंगा कर खाना खाते थे और देखिए आज वो टॉप एक्टर्स में शुमार है। आज जानते हैं राजकुमार राव की जिंदगी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ड्रीम टू बिकम एन एक्टर। बचपन से ही राजकुमार राव की दिलचस्पी एक्टिंग में थी। इसी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने स्कूल लाइफ में एक्टिंग करना शुरू कर दिया। इसे लेकर राजकुमार राव ने एक इंटरव्यू में कहा है, मैं अब भी गुड़गांव का वो लड़का हूँ जो दूर से बॉलीवुड के उस प्लैनेट को बड़े ही एक्साइटमेंट से देखता है। मेरे पास बस यही एक टैलेंट था कि मुझे अपनी कला से प्यार हो गया था। बचपन से ही मुझे एक्टिंग भाने लगा था। मैं कभी पैसे या शोहरत के पीछे नहीं भागा। मैंने खुद में सोचा कि यही एक चीज है जिससे मुझे वाकई में लगाव है और जिंदगी भर इसे ही करना चाहता हूँ। मैंने दिल्ली में थिएटर करना शुरू कर दिया और बाद में पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में शामिल हो गया, क्योंकि मैं इस शहर में बिना किसी तैयारी के नहीं आना चाहता था। मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था। मुझे हमेशा से ही एक्टर बनना था। मैंने इसके अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं। द स्ट्रगल। लव सेक्स धोखा, क्वीन, सिटी लाइट्स और न्यूटन जैसी फिल्मों से सुर्खियां बटोरने वाले राजकुमार राव एक आम इंसान से सेलिब्रिटी बनने तक का सफर तय कर चुके हैं। इनकी जर्नी को खूब पढ़ा जाता है। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वो टीवी एड्स में 10 लड़कों में से एक के तौर पर चुने जाते थे। रिपोर्टेडली राजकुमार राव बताते हैं, जब मैं बड़ा हो रहा था तब शाहरुख सर को देखकर काफी हैरान होता था। मैं हैरान होता था ये सोचकर कि अगर बाहर से आकर कोई अपना इतना बड़ा नाम बना सकता है तो मेरे लिए भी कोई उम्मीद तो जरूर है। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मुंबई आने के बाद मुझे काफी समय तक कोई काम नहीं मिला। यहाँ वहाँ कुछ छोटे मोटे एड ही करता रहा। वो एक एड शायद अब आपको याद भी नहीं आएंगे। किसी किसी एड में दिखने वाला मैं 10वां शख्स होता था। हर महीने किसी तरह मैं 10,000 रुपए कमा पाता था। फिर भी कुछ दिन ऐसे होते थे जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तब मैं अपने दोस्तों के साथ उनका खाना शेयर करता था। मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था। मैं लगातार ऑडिशन देता जा रहा था। ऑडिशन लेने वाले लोग मुझे छोटे छोटे रोल दे देते थे। मैं उन्हें बड़े रोल के लिए मनाने की कोशिश करता था लेकिन कोई मानता नहीं था। फिर भी मुझे भरोसा था कि कोई ना कोई मेरा टैलेंट जरूर परखेगा। मुझे आज भी याद है कि किस तरह मैं अतुल मोंगिया से लगातार पूछता रहा था, जब तक कि उन्होंने मुझे लव सेक्स और धोखा के ऑडिशन के लिए नहीं बुला लिया। मैंने 3-4 टेस्ट दिए। एक हफ्ता निकल गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर वो दिन भी आया जब मेरे अब तक किए हुए स्ट्रगल का नतीजा मुझे मिला। मैं घर पर अकेला था जब मुझे मेरी जिंदगी का सबसे अहम फोन आया। वो शब्द थे, हो गया है, यू गॉट द फिल्म। मैं अपने घुटनों पर गिर गया। सबसे पहले मम्मी को फोन किया। फिल्म रिलीज हुई और मुझे बहुत प्यार मिला। राजकुमार्स मीटिंग विद शाहरुख खान। राजकुमार राव किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन है। शाहरुख के साथ हुए एक मुलाकात के बारे में राजकुमार राव ने एक बेहद दिल को छू देने वाला किस्सा शेयर किया। मेरे लिए और भी ज्यादा खास पल आया जब क्वीन रिलीज हुई। मैं महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था। मैंने सुना कि शाहरुख खान सर भी वही शूटिंग कर रहे हैं। मुझे लगा मेरे पास मौका है, मैं उनसे मिल सकता हूँ। मैंने उन्हें एक मैसेज भेजा। मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे जानते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया और वो मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने मुझे काफी स्पेशल फील कराया। मैं तो पहले से ही उनका फैन था लेकिन उस दिन मैं उनका और भी बड़ा फैन बन गया। राजकुमार राव's एडवाइस टू न्यूकमर्स। राजकुमार राव का कहना है कि सिनेमा में बदलाव आ रहा है। ऐसे में एक्टर बनने की चाहत रखने वाले कलाकार बिना किसी तैयारी के मुंबई ना आए। रिपोर्टेडली एक प्रोग्राम में राजकुमार राव ने कहा, मैं पहले खुद को प्रशिक्षित करना चाहता था। मैं नवोदित कलाकारों को अक्सर यही कहता हूँ कि सिर्फ इसलिए कि आपके दोस्तों ने आपसे कहा कि आप अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं या आप अच्छे दिखते हैं,
तो अब आपको मुंबई चले जाना चाहिए। ऐसा ना करें, बिना तैयारी के मुंबई में ना आए, खासकर अब जब सिनेमा बदल रहा है। हमें प्रतिभाओं की जरूरत है, इसलिए खुद को पहले प्रशिक्षित करें और फिर मुंबई आए, क्योंकि यहाँ कई सारे बेहतरीन मौके हैं। नेपोटिज्म। इंडस्ट्री में आउटसाइडर और इनसाइडर को लेकर कई डिस्कशन से आप वाकिफ हैं। क्या इनसाइडर्स के मुकाबले आउटसाइडर्स की जर्नी डिफिकल्ट है? इस पर राजकुमार राव ने रिपोर्टेडली कहा, जो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए बॉलीवुड में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और या तो उन्हें काफी लकी होना होगा। मुझे लगता है कि इसके लिए हर किसी को तैयार रहना चाहिए। हाँ, नेपोटिज्म यहाँ है, लेकिन उसके साथ एक उम्मीद भी है। मैं एक आम लड़का हूँ गुड़गांव से, और अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। वेल, राजकुमार राव का मानना था कि उन्हें अपने लुक से ज्यादा उनका काम उन्हें सक्सेस तक पहुँचाएगा। उनका कहना है कि अपने किरदार के साथ इंसाफ करना ही मेथड एक्टिंग है। अनेकों किरदारों में हमारा मनोरंजन करने वाले राजकुमार की इन्हीं सब क्वालिटीज और जिंदगी जीने की सोच आज सभी को इंस्पायर करती है। इनकी जर्नी वाकई में दिलचस्प है।